अगर कोई पति ऐसा कर रहा है कि वो पत्नी को पढ़ने से रोक रहा है, पत्नी कहीं बाहर पढ़ने गई है तो उसे वापस बुला रहा है और ये कह रहा है कि तुम तो ज्योति मौर्य नहीं बन जाओगी, तो ये बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि किसी को अभी तक पूरी जानकारी नहीं है कि ज्योति मौर्य के मामले में किसका पक्ष पूरी तरह सही है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ज्योति के पति आलोक मौर्य की कहानी सुन रहे हैं। आज ज्योति ने भी अपना जवाब दिया, ज्योति मौर्य की तरफ से कुछ सबूत दिए गए और ये सब आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन आप में से जिन लोगों को ये मामला नहीं पता, उन्हें पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूं। ये मामला वाराणसी की ज्योति मौर्य और आजमगढ़ के आलोक मौर्य के बीच का है। दोनों की शादी 2010 में हुई थी, उनकी दो बेटियां भी। ज्योति मौर्य की जब शादी हुई थी तो उस वक्त वो ग्रेजुएशन कर रही थी। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि जैसे वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके पति ने ही उनको शादी के बाद पढ़ाया। ऐसा नहीं है, शादी के वक्त वो ग्रेजुएशन कर रही थी और उनके पति आलोक मौर्य प्रयागराज में सफाई कर्मचारी थे। शादी के बाद ज्योति ने ग्रेजुएशन पूरा किया। आलोक का दावा है कि ज्योति को आगे पढ़ाने में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आलोक का दावा यह भी है कि वो ज्योति को प्रयागराज लेकर आए और यूपी पीसीएस की तैयारी करवाई। 2015 में ज्योति ने पीसीएस क्लियर कर लिया, उसे 16वीं रैंक मिली थी। इसके बाद उसकी एसडीएम के तौर पर कई शहरों में तैनाती हुई। लेकिन पिछले 3 साल से ज्योति और आलोक के बीच विवाद चल रहा है और यह विवाद अब सोशल मीडिया से होता होता घर घर तक पहुंच गया और उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। पति पत्नी का यह विवाद जब सार्वजनिक हुआ, पति आलोक मौर्य कैमरे पर आकर सब बताने लगे, रोने लगे, तो लोगों को आलोक से हमदर्दी भी हुई। आलोक को लोग पीड़ित मानने भी लगे और एसडीएम ज्योति मौर्य को गलत बताने लगे, क्योंकि कोई भी यह कहानी सुनकर दर्द महसूस करेगा कि भाई पति जो सफाई कर्मचारी है, अगर उसने पैसा लगाया, पढ़ने में मदद की, अफसर बनने में मदद की और उसे ही पत्नी ने साइड लगा दिया, तो ये आलोक का पक्ष जो है वो अपनी जगह पर सही है कि भाई उसके साथ तो गलत हुआ। एक बार आलोक मौर्य को सुनिए, फिर आऊंगा ज्योति मौर्य क्या कह रही है। आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा। उधर एसडीएम ज्योति के पति आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य उन्हें जान से मारने की साजिश कर रही। ज्योति मौर्य का भाई बंदूक लेकर आलोक उन्हें डराता रहता है। पत्नी ज्योति मौर्य ने दहेज उत्पीड़न का झूठा केस उन पर किया हुआ। पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया लेकिन सफाई कर्मी होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। पत्नी ज्योति मौर्य का किसी और से अफेयर चल रहा है। ज्योति मौर्य को अपने आवास पर रंगे हाथ पकड़ लिया था। पत्नी ज्योति मौर्य आलोक को बेटियों से मिलने नहीं दे रही। ज्योति मौर्य ने बड़े पद का रुतबा दिखाकर आलोक के सीनियर से आलोक की शिकायत करके बर्खास्त करने को कहा। आलोक ने ज्योति मौर्य पर घोटाले का भी आरोप लगाया कि वो 10 लाख रुपए की रिश्वत लेती। आलोक का आरोप है कि जिस व्यक्ति से ज्योति मौर्य का अफेयर चल रहा है वो खुद शादीशुदा है। आलोक मौर्य का आरोप यह भी है कि ज्योति मौर्य ने फोन करके धमकी दी कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये सारे आरोप पति आलोक मौर्य ने एसडीएम ज्योति मौर्य पर लगाए। आलोक ने अपनी एसडीएम पत्नी की बेवफाई साबित करने के लिए जो पत्नी से निजी बातचीत की रिकॉर्डिंग थी वो भी सार्वजनिक कर दी। सोशल मीडिया पर आलोक और ज्योति की कथित बातचीत का वीडियो वायरल है जिसमें आलोक अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका अफेयर चल रहा है। एक बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, वो एक बार सुनिए, देखिए उसमें क्या है। हमने शुरुआत किया था, तुम भी तो दूसरे नाम से सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, करो। हाँ वो तो मुझे पता ही था कि वही और कोई था ही नहीं। सिर्फ बोला चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था, बता दू कहाँ थे ये भी प्रो बता दू, मुझे पता है कहाँ कहाँ गए थे आप लोग, पता है वही आया था। कौन आया था? जो आया था जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। प्रति जी आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना उसी का है, एक फोन में है ना नाम सेव है ना आप, एक फोन वो फोन क्या होता है यार, आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन किए हमको, एसीएम के नाम से। हाँ मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा,
अमित मिश्रा के नाम से एसीएम बना के रखी हो। पति पत्नी की बातें, निजी बातें वायरल हो रही, हर आदमी इसको लेकर जजमेंट दे रहा है। और इन सब बातों को सुनने के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य सोशल मीडिया की दुनिया में एक ऐसी बेवफा पत्नी के रूप में पेश कर दी गई जिसके पति ने सफाई कर्मी होते हुए भी अपनी पत्नी को दूसरे शहर में पढ़ने भेजा, उसका सारा खर्चा उठाया। बाद में ज्योति मौर्य ने एसडीएम बनने पर अपने पति को छोड़ दिया और किसी बड़े अधिकारी के साथ अफेयर कर लिया। सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य की कहानी जिस तरह पेश की गई वो 2017 में आई एक फिल्म की कहानी से मेल खाती है और उसी कहानी से ज्योति मौर्य की कहानी को जोड़कर लोग चटकारे लेने लगे, ज्योति मौर्य को लेकर रील बनने लगी, उनके पति के प्रति हमदर्दी जताने लगे लोग। और इन्हीं सब के आधार पर ऐसे लोगों को भी अपना पॉइंट सही साबित करने का मौका मिल गया जो ये मानते हैं कि लड़कियों को घर की दहलीज के अंदर ही रहना चाहिए। इस पूरी कहानी में बिना ये जाने कि ज्योति मौर्य का क्या पक्ष है, सोशल मीडिया पर लोगों ने जजमेंट भी दे दिया है। ज्योति मौर्य का पति तो पीड़ित है और ज्योति मौर्य दुनिया की सबसे खराब पत्नी है जिसने ऊंचे पद पर पहुंचते ही अपने से कम लेवल पर नौकरी करने वाले पति को बुला दिया, वो पति जिसने उसे पढ़ाया, अधिकारी बनाया, ये जजमेंट आ चुका। लेकिन हम पाठशाला में आपको हर पक्ष दिखाते हैं, हर बात बताते हैं और ये इसलिए भी बता रहे हैं कि आप समझें कि कैसे दुनिया भर की जो ज्योति हैं, दुनिया भर की जो लड़कियां हैं, बहुएं हैं, बीवियां हैं, जिन्हें इस केस की वजह से लोगों ने मान लिया कि भाई ये भी गलत ही करेंगी, उन्हें कम से कम समझने का मौका लोगों को मिले। पाठशाला में आपको ज्योति मौर्य के केस में आए एक ट्विस्ट के बारे में भी बताता हूं जिसने पूरी कहानी को एक अलग रुख दिया है। इस मामले में आज ज्योति मौर्य ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और पहली बार अपना पक्ष रखा। ज्योति मौर्य बेवफाई के आरोपों पर क्या कह रही है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई लिखाई वाली बात, उस पर ज्योति मौर्य के पति आलोक ने क्या कहा है एक बार वो भी सुनिए। के बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई। सर बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चलाया, उनको सर मैंने पढ़ाया पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पर चयन हुआ सर उनका। इस तरह की कई बातें एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर कही जा रही है, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके बारे में अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं, जब उन्हें लगा कि यह मामला हद से बाहर जा रहा है, पूरी कहानी एक तरफा चल रही है, तो ज्योति मौर्य ने आज चुप्पी तोड़ी। उन्होंने जवाब में क्या कहा वो भी आपको बताता हूं। ज्योति मौर्य ने पढ़ाई लिखाई वाली बात पर यह कहा कि उनकी शादी बचपन में नहीं हुई थी, आलोक ने उन्हें बचपन से नहीं पाला है, आलोक ने उन्हें बचपन से नहीं पढ़ाया है। जहां तक शादी के बाद सपोर्ट करने वाली बात है तो हर पति पत्नी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं। ये ज्योति मौर्य का पक्ष है। इसी तरह से आलोक मौर्य लगातार ज्योति मौर्य के पद की बात कर रहे हैं कि ज्योति एसडीएम है और वो मामूली कर्मचारी हैं, इसलिए ज्योति मौर्य ये सब कर रही है। एक बार आलोक इस पर क्या कहते हैं वो भी सुनिए, फिर ज्योति मौर्य ने क्या कहा है इस पर वो आपको बताऊंगा। मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर, और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ। ज्योति मौर्य के मामले में सबसे बड़ी बात यही कहा जा रही है कि पत्नी एसडीएम बन गई, पति सफाई कर्मचारी रहा, इसलिए पत्नी ने पति को छोड़ दिया। इस पर ज्योति मौर्य का कहना है कि इशू आलोक मौर्य के सफाई कर्मचारी होने का नहीं है, इशू उनके एसडीएम होने का भी नहीं है, इशू सिर्फ पति पत्नी का है। ज्योति का कहना है कि आलोक के सफाई कर्मचारी होने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यह शादी से जुड़ा विवाद है और यह विवाद कोर्ट में है। आलोक मौर्य का अपनी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य को लेकर एक आरोप यह भी है कि उनकी पत्नी का कहीं और अफेयर है, उस पर आलोक ने क्या बताया कैमरे पर वो सुनिए, फिर ज्योति मौर्य का जवाब सुनाऊंगा। वो सर जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर, सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध, उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कई भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए, हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है सर। ये लोग लखनऊ के अच्छे अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिक मैरियट होटल में सर लोग जाके रुकते हैं। आलोक अपनी एसडीएम पत्नी पर जो आरोप लगा रहे हैं उस पर भी ज्योति मौर्य ने जवाब दिया। ज्योति मौर्य का कहना है कि उनका किसी से अफेयर है या नहीं ये उनका पर्सनल मैटर है। हमने आपको ज्योति और आलोक दोनों का पक्ष इसलिए सुनाया ताकि दुनिया भर में
देश भर में जो पति घबरा गए हैं, जो परिवार वाले घबरा गए कि बेटी बाहर निकलेगी, बीवी बाहर निकलेगी तो पता नहीं अफेयर ही कर ले, उन्हें दोनों का पक्ष पता होना चाहिए। इन दोनों का फैसला तो कोर्ट में होगा, लेकिन जो लोग जजमेंट देकर अपने घर में बेटियों को, बीवियों को, बहुओं को जंजीरों से जकड़ देना चाहते हैं, उन्हें दोनों पक्ष सुनाना जरूरी था। अच्छा, इस झगड़े में नए नए मोड़ आ रहे हैं। ज्योति के परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि उन्हें धोखे में रखकर शादी की गई। परिवार वालों का आरोप है कि शादी के वक्त बताया गया था कि आलोक मौर्य ग्राम पंचायत का अधिकारी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सफाई कर्मचारी है। शादी का एक कार्ड भी दिखाया जा रहा है जिसमें आलोक मौर्य के ग्राम पंचायत अधिकारी होने की बात छपवाई गई है। ज्योति के परिवार वालों का कहना है कि ये कार्ड आलोक मौर्य के परिवार ने छपवाया, लेकिन आलोक मौर्य की साइड के लोग कह रहे हैं कि ये कार्ड ज्योति के परिवार की तरफ से छपवाया गया होगा, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जबकि शादी के कार्ड को लेकर आलोक मौर्य के पड़ोसियों का कुछ और ही कहना है। आलोक के पड़ोसियों का कहना है कि शादी के कार्ड पर सिर्फ आलोक लिखा था, कोई पद नहीं लिखा था। लड़की वालों ने यह दिखाने के लिए कि उनका दामाद बड़ा अधिकारी है, शादी के कार्ड पर ग्राम पंचायत अधिकारी लिखवाया था। एक बार आलोक के पड़ोसी को सुनिए। इस बछवल गांव में जो भी कार्ड वितरित हुआ था उनके शादी के समय, उसमें सिर्फ आलोक मौर्य था, कोई पद नहीं था। और उनके परिवार वाले, लड़की वाले अपने कि भाई मेरा दामाद यह है, इस प्राउड के लिए कि मुझे वो हो रहा है कि वो घमंड है मुझे कि मेरा दामाद यह है, ये छपवा दिए, तो उसमें इनका दोष क्या है? अब आप सुने, एक कार्ड सामने आ रहा है, उसको लेकर भी अलग अलग वर्जन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जजमेंट जो है वो समाज जो दे रहा है उसके लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, क्योंकि सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और हम हर बात आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्योति मौर्य के बारे में एक बात यह भी फैलाई जा रही है कि उन्हें एसडीएम के पद से हटा दिया गया है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य पर योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। एसडीएम ज्योति मौर्य को उनके पद से नहीं हटाया गया है, योगी सरकार ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। यह बात भी चल रही है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच बिठा दी गई है, लेकिन यह बात भी सही नहीं है। दरअसल ज्योति के पति आलोक ने इस मामले में डीजी होमगार्ड को शिकायत की, जिस पर संज्ञान लेते हुए डीजी होमगार्ड ने होमगार्ड के जिला कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ जांच के आदेश दिए। मनीष दुबे वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी का मनीष दुबे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इस मामले में अपडेट यह है कि जो जांच मनीष दुबे के खिलाफ शुरू हुई है उसमें ज्योति मौर्य को भी बयान देने के लिए नोटिस भेजा गया, जिस पर ज्योति मौर्य का कहना है कि उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक मामला है, वो इसके लिए सिर्फ अदालत में अपना पक्ष रखे।